भारत सरकार ने हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कार कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स की स्थापना ऐसी ही एक पहल है जो आयातकों और निर्यातकों के लिए बहुत सहायक है। इस वीडियो में हम कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के महत्व, लाभों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानेंगे। वीडियो का उद्देश्य करदाताओं को शिक्षित करना है कि कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के साथ आवेदन कैसे दायर किया जाए। सीमा शुल्क में अग्रिम निर्णय आवेदक द्वारा किसी भी वस्तु के आयात या निर्यात से पहले उससे संबंधित आवेदन में उठाए गए प्रश्न पर एक लिखित निर्णय है। अग्रिम निर्णयों का उद्देश्य निवेशकों को उनकी सीमा शुल्क देयता के बारे में पहले से जानकारी देकर सीमा पार व्यापारिक लेन देन में पूर्वानुमेयता को बेहतर बनाना है। चूंकि कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स द्वारा दिया गया निर्णय आवेदक के साथ साथ सरकार पर भी बाध्यकारी है, इसलिए ये शुल्क देयता में एक निश्चितता लाता है। चूंकि निर्णय समयबद्ध, पारदर्शी और मितव्ययी तरीके से दिए जाते हैं, इससे माल की तेज निकासी में सहायता मिलती है। ये मुकदमेबाजी को और भी कम करता है क्योंकि ये एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, इसलिए ये आयातकों या निर्यातकों को वित्तीय नियोजन और समझदारीपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता करता है। भारत में अग्रिम निर्णय तंत्र में एक उल्लेखनीय विकास हुआ है जब से 1993 में आयकर में अग्रिम निर्णयों के लिए अथॉरिटी यानी AAR, 1998 में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 2003 में सेवा शुल्क में स्थापित हुआ है। साल 2018 में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में व्यापक संशोधन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स का गठन हुआ था। GST में भी अग्रिम निर्णयों के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया गया। दिसंबर 2020 में दिल्ली और मुंबई में कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स नियुक्त की गई। WCO के संशोधित क्योटो कन्वेंशन में अग्रिम निर्णय की अवधारणा पर आधुनिक और कुशल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के एक खाके के रूप में चर्चा की गई थी। व्यापार सरलीकरण पर WTO समझौते के अनुच्छेद 3 ने 2017 में प्रत्येक सदस्य देश के लिए अग्रिम निर्णय के लिए एक तंत्र का होना अनिवार्य बना दिया। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के खंड 5B में कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के लिए कानूनी प्रावधान शामिल हैं और प्रक्रियाएं कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स रेगुलेशंस 2021 द्वारा नियंत्रित हैं। अथॉरिटी सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त के रैंक का एक अधिकारी होता है। वर्तमान में नई दिल्ली और मुंबई में ऐसे दो अथॉरिटी नियुक्त हैं। इनके संबंधित क्षेत्राधिकार को मानचित्र पर दिखाया गया है। इनका क्षेत्राधिकार आवेदक के पते पर निर्भर होता है। एक आयातक और निर्यातक या उचित कारण वाला व्यक्ति अथॉरिटी को आवेदन दे सकता है। जो आवेदक भारत में स्थित नहीं है, वो किसी भी भारत में निवासी व्यक्ति को अथॉरिटी के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकता है। एक आवेदक निम्न विषयों पर अग्रिम फैसलों की मांग के लिए आवेदन दायर कर सकता है: माल का वर्गीकरण, ड्यूटी की दर, माल का मूल्यांकन, सूचनाओं की प्रासंगिकता और माल की उत्पत्ति का निर्धारण। लेकिन यदि उठाया गया प्रश्न पहले से ही आवेदक के मामले में सीमा शुल्क के किसी अधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है, या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा पहले से तय किए गए मामले के समान है, तब मामला अथॉरिटी द्वारा तय नहीं किया जाएगा। अग्रिम निर्णय प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी को एक आवेदन करना होगा। आवेदन को अंग्रेजी या हिंदी में कार एक फॉर्म में दायर करना होगा और साथ ही ₹10,000 का शुल्क देना होगा।
कार एक आवेदन दर्ज करते समय आवेदक को निम्न बातों को सुनिश्चित करना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाते हुए माल का पूरा विवरण दें। सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रमाण के साथ प्रदान करें। मुद्दे को लेकर आवेदक की व्याख्या और साथ ही पक्ष को सही ठहराने का समर्थन करने वाले तर्क। फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया का पूरा विवरण यहाँ समझाया गया है। आवेदक कार एक में एक आवेदन दर्ज करता है। आवेदन प्राप्त होने पर अथॉरिटी का सचिवालय इसकी समीक्षा करता है। किसी भी त्रुटि या कमी की स्थिति में आवेदक को उसके बारे में सूचित किया जाता है और उसे अथॉरिटी को संशोधित फॉर्म फिर से जमा करना होता है। यदि कोई त्रुटि या कमी नहीं है तो आवेदन को टिप्पणियों के लिए क्षेत्राधिकारी प्रधान आयुक्त को भेज दिया जाता है। टिप्पणियों की प्राप्ति पर आवेदन की स्वीकार्यता के लिए जांच की जाती है। यदि आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है तो आवेदक को अपनी बात रखने का एक अवसर देने के लिए अथॉरिटी द्वारा एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की जाती है। सुनवाई के बाद भी यदि आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है तो अथॉरिटी द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया जाता है। लेकिन यदि सुनवाई के बाद आवेदन स्वीकार करने योग्य पाया जाता है और योग्यता के आधार पर आगे सुनवाई की अनुमति दी जाती है तो क्षेत्राधिकार आयुक्तालय की टिप्पणियां आवेदक को भेज दी जाती हैं। इसके बाद मामले की योग्यता पर एक व्यक्तिगत सुनवाई आवेदक और विभाग के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाती है। इसके बाद अथॉरिटी द्वारा एक निर्णय जारी किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा किया जाना होता है। यदि आवेदक निर्णय से सहमत है तो ये आवेदक के साथ साथ क्षेत्राधिकार आयुक्तालय पर भी बाध्यकारी हो जाता है। 3 सालों तक अथवा कानून या तथ्यों में कोई बदलाव होने तक इनमें से जो भी पहले हो तब तक यह निर्णय लागू रहता है। यदि आवेदक या विभाग निर्णय से सहमत नहीं है तो वो ऐसे निर्णय या आदेश की सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। उचित कारण की स्थिति में उच्च न्यायालय विलंब को और 30 दिनों तक की अवधि के लिए माफ कर सकता है। एक आवेदक आदेश की घोषणा से पहले अथॉरिटी से अपना आवेदन वापस भी ले सकता है। अथॉरिटी रिकॉर्ड में किसी भी गलती को सुधारने हेतु अपने आदेश में संशोधन कर सकता है। इस तरह की गलती को अथॉरिटी द्वारा अपनी समझ से जांचा जा सकता है या आवेदक या संबंधित क्षेत्राधिकार के आयुक्त द्वारा इसकी सूचना दी जा सकती है। यदि अथॉरिटी को पता चलता है कि आवेदक ने धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत जानकारी देकर अग्रिम निर्णय प्राप्त किया है तो उस अग्रिम निर्णय को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क अधिनियम के सभी प्रावधान आवेदक पर वैसे लागू होंगे जैसे कि ऐसा अग्रिम निर्णय कभी दिया ही नहीं गया था। अग्रिम निर्णय को अमान्य घोषित करने का आदेश आवेदक को सुनने के बाद ही पारित किया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम अग्रिम निर्णयों के लिए एक व्यापक प्रावधान देता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा शुल्क विवाद न्यूनतम हो। यह कर प्रभावों की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय प्राप्त करने का आश्वासन प्रदान करता है। आवेदक की परिभाषा और अग्रिम निर्णय की विषय वस्तु काफी व्यापक है। कराधान के जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए ये सबसे उपयुक्त है। यह प्रावधान भारत में व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक प्रमुख सहायक है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.cbic.gov.in देखें।